हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज मैं आपको पैराजोन सिल्वेक्टम इंजेक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसका इस किस बीमारी में यूज़ किया जाता है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और हम इसको डोज कितनी दे सकते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और किस किस बीमारी में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। पैराजोन सिल्वेक्टम इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दिया जाता है। ये इंजेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, अडल्ट्स निमोनिया, ये इंजेक्शन निमोनिया में अडल्ट्स को दिया जाता है लेकिन चाइल्ड्स को हम नहीं दे सकते। ओटाइटिस मीडिया हो जैसे कि कान के इन्फेक्शन, कान में पीक आना, कान का पकना, इसमें हम पैराजोन सिल्वेक्टम इंजेक्शन दे सकते हैं। एब्डोमिनल इन्फेक्शन जिमें कि पेट में बल उठना, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होना, इस सब में हम पैराजोन सिल्वेक्टम इंजेक्शन का प्रयोग ही कर सकते हैं। इसका न्यू ब्रांड नेम जैसे कि मैगनेक्स फोर्ट में भी आता है मार्केट में। ये इंजेक्शन हम कब नहीं दे सकते, ये इंजेक्शन हम पैरेग्नेसी, एलर्जी होवे, लीवर कोई पीलिया डिजीज होवे, फैटी लीवर वीवर दी कोई भी डिजीज होवे, उसमें हम ये इंजेक्शन को नहीं प्रयोग कर सकते। इसके और लगाने से कोई साइड इफेक्ट आते हैं जैसे कि किसी को हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस, स्किन रैशेस हो जाते हैं। इसकी हम कितनी डोज यूज कर सकते हैं, इसकी हम 1 to 2 ग्राम और 1.5 ग्राम डोज ले सकते हैं। जैसे कि 50 kg के व्यक्ति को हम 1.5 ग्राम से 2 ग्राम नॉर्मल डोज दे सकते हैं। ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है और इसको हम ज़्यादा प्रॉब्लम में 4 ग्राम, एक दिन में 4 ग्राम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टांके का पकना, पीक पड़ जाना, इसमें भी हम सिर्फ पैराजोन सिल्वेक्टम इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, लाइक करना, कमेंट करके बताना। धन्यवाद।